जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर है जी 14, और मॉड्यूल नंबर जो है वो हमने 4 स्टार्ट करना है आज। मॉड्यूल नंबर है जी बेटे 4। पहले 3 मॉड्यूल्स हमने जो है वो देख लिए हैं, और अब 4 मॉड्यूल के अंदर हम जो है वो ये बात डिस्कस करेंगे कि अपनी बुक को जो है वो प्लान हमने किस तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड, हमने अपनी बुक को बनाना किस तरीके से है। थर्ड, हमने उसे जो है वो डिज़ाइन किस तरीके से करना है। डिज़ाइन से मुराद बुक को डिज़ाइन नहीं करना, डिज़ाइन से मुराद है बेटे आपने अपने कवर को, अपनी ग्राफिक के रिलेटेड जो काम होगा उसको आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है। यह मॉड्यूल 4 के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो आज फर्स्ट हमारा लेक्चर है जी बुक प्लानिंग का, कि हमने बुक को जो है वो प्लान किस तरीके से करना है। और अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिएगा कि आप एज अ ऑथर अब काम करेंगे, ठीक है। एज अ राइटर अब जो है वो आपकी ड्यूटी अब आपने पूरी करनी है एज अ राइटर के तौर पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट वर्क की बात नहीं कर रहा, आपने खुद अपना काम जो है वो किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से स्टोरी आपने बनानी है। तो एक स्टोरी को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से काम करने होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम A to Z जो है वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ओनली टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ बुक प्लानिंग, कि जब आप एक बुक बनाने लगते हैं तो आप कौन सी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखते हैं। आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब आप एक प्रोजेक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं तो कौन कौन से काम आपको करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ये जो मदर है हमारा स्टूडेंट, ये कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि आप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक SDLC जो है वो पैटर्न चलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक जो है वो पॉइंट चलता है जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल के लिहाज से आप लगा लें कि आप एनालिसिस करते हैं, पहले जो है वो प्लान करते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारा चीज होती है। तो इसमें भी हम जो है बुक उसे जो है वो किस तरीके से प्लान करेंगे, वो हमारा जी लेक्चर है जी ओवरव्यू ऑफ बुक प्लानिंग लेक्चर नंबर 4। तो है जी, हम 3 स्टेप्स के जरिए से अपनी बुक को जो है वो प्लान करना सीखेंगे। अब 3 स्टेप्स वो कौन कौन से हैं, आप स्टेप 3 पहले फॉलो करने से आपको ये मैं बात बता दूं कि जो भी आप बुक राइट करने जा रहे हैं, जिस भी पॉइंट के ऊपर आप बुक लिखने जा रहे हैं, वो पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप हॉरर स्टोरी लिखने बैठने लगे हैं, ठीक है, मैं अगेन से बात रिपीट करूं कि ये काम जो है आपने जाती खुद लिखना है, उसको किस तरीके से टारगेट करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। कि आपने जब भी बुक लिखने बैठना है, किसी भी पॉइंट को आपने टारगेट करना है, तो आपको उसका आइडिया, ठीक है, जैसे ये सारी बातें मैंने खुद जो है वो राइट की हैं। व्हेन यू बिगिन योर ब्लॉग्ड बुक से मुराद क्या है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर बुक आइडिया हेल्प यू गेट फोकस एंड क्लैरिटी ऑन द प्रोजेक्ट। कि जब भी आपने कोई भी काम करना है तो आपको उसके प्रोजेक्ट का, अपने काम का, अपने टारगेट का A to Z जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं काम कौन सा करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जी, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर टॉपिक, द एंगल यू फ्रॉम विच यू विल अप्रोच इट, ठीक है। अगर आपको अपना काम जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा तो देन आप ऑटोमेटिकली जो है वो उसे अप्रोच करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उससे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो बढ़ेंगे। अगर आपको अपने काम का फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से मूव करेंगे। बात ओके? जैसे मैं ना अक्सर ये SDLC का मॉडल जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो उसके अंदर मैं ना हमेशा एक घर वाली जो है वो एग्जाम्पल देता था, ठीक है। कि मतलब मैं इस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने कोई भी एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे जरूरी एस्पेक्ट कौन से होते हैं, सबसे जरूरी चीजें कौन सी होती हैं, कि सबसे पहले आपके पास किसी जगह का होना जो है वो जरूरी है, एक प्लाट जो है वो होना जरूरी है। इसी तरीके से इधर हम साथ में मैं रिलेट करूंगा, स्टोरी को मर्ज करवाऊंगा। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बुक लिखने जा रहे हैं तो आपको उस टॉपिक की स्टोरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए,
जिस तरीके से उधर प्लॉट की बात मैंने की, इसी तरीके से आपको जो है वो स्टोरी अपनी क्लियर होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस मार्केट जो है मार्केट को टारगेट करने जा रहा हूँ, मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है, ठीक है। एंड हाउ यू विल प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ए पार्टिकुलर ऑडियंस। आपने जो भी काम करना है, फिक्शन बुक लिखने जा रहे हैं, नॉन फिक्शन बुक लिखने जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी बुक लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि मैं किसके रिलेटेड जो है वो काम करने जा रहा हूँ, ताकि आप अपने काम को अच्छे से टारगेट कर सको। ओके जी, यू कैन डिटरमिन इफ द प्रोजेक्ट इज वन वर्थ ए परसिंग, यू हैव ऑल्सो गॉट ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ यूर बिजनेस प्लान एंड द राइटिंग ऑफ यूर मैन्यूस्क्रिप्ट। जब आपको अपने टारगेट क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस टॉपिक के रिलेटेड काम करना है, तो आप अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो राइट करना शुरू कर दोगे, यानी कि अपने बिजनेस प्लान को नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मूव करवा दोगे। उसके बाद है जी, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ए बिजनेस प्लान और बुक प्रपोजल प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ब्लॉगिंग योर बुक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी बुक का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने किस पॉइंट को जो है वो टारगेट किया है और आपने कौन सा मटेरियल बनाना है, ठीक है। आप उसके रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दोगे। अगर आप हॉरर स्टोरी के रिलेटेड बनाना चाहते हो तो आप डिफरेंट हॉरर स्टोरीज को पढ़ोगे कि लोगों ने जो है वो किस तरीके से हॉरर स्टोरीज को लिखा है, उन्हीं स्टोरीज को मर्ज करवा के आप अपनी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर लोगे, ठीक है। ये चीज अगर जी कॉल द ओवरव्यू, इट हेल्प्स यू डिटरमिन व्हाट योर बुक इज अबाउट एंड व्हाई समवन वुड वांट टू रीड इट, ठीक है। फिर आपने ये सारी चीजें टारगेट करनी होती हैं कि जिस टॉपिक को मैं बनाने जा रहा हूं तो मेरे जो रीडर्स हैं उसे क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे बेटे आप अपनी एग्जाम्पल ही ले लें, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, कोई तो ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मेरे आप रीडर्स हैं, ठीक है, मेरे आप क्लाइंट हैं, मेरे आप कस्टमर हैं, ठीक है, मेरे आप कंज्यूमर है। तो ये बेटे आप इन चीजों को जो है वो आपने क्लियर करना होता है स्टार्ट ही में कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं तो वो आपके काम को क्यों देखेंगे, ये क्यों वाला जवाब भी जो है वो आपके अपने माइंड में होगा, तो तब आप एक अच्छी स्टोरी जो है वो राइट करवा सकेंगे, ठीक है जी। इट ऑल्सो हेल्प्स यू कंसीडर द फुल स्कोप ऑफ योर बुक्स कंसेप्ट। तो फिर इस तरीके से आपके माइंड में अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी बुक का जो है वो कंसेप्ट होगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जो है वो बढ़ोगे। इस पेज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने स्टार्ट आपको जो है वो बताया? वैसे बेटे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी बात को ज्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि यही असल जो है वो पॉइंट्स है। ठीक हो गया बेटे, और इस टॉपिक के अंदर बोर नहीं होना, इसे एंजॉय करके जो है वो लेके चलना है और साथ साथ क्वेश्चन जो है वो पूछते जाना है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो पता चले कि काम जो है वो किस सेंस में किस वे में करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं जी, तीन स्टेप्स आप जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन से तीन स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। फर्स्ट स्टेप है जी आपका राइट योर पिच। अब मदर आपने पिच के मुतालिक जानते हो ना, जो इधर फिजिक्स के रिलेटेड हैं बच्चे, जिन्होंने फिजिक्स जो है वो पढ़ी हुई है, उन्हें पिच का हल्का सा जो है वो आइडिया होगा कि हम जो साउंड है उसकी वाइब्रेशन के रिलेटेड टॉप पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, ठीक है, ये दिया होता है, ठीक है, वो हमारी बेसिकली क्या होती है, पिच होती है। या इसे सिंपल मानो में ऐसे मैं क्लियर करता हूँ फिजिक्स की रूह से, कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक जो सारा फासला है वो एक तरह की क्या कहलाती है, आपकी पिच कहलाती है। और पिच से मुराद क्या होता है, इधर हमारे पिच में पिच से मुराद क्या है, पिच से मुराद ये है कि आप अपनी बात को क्या करोगे, दूसरा थोड़े अल्फाज में, कम अल्फाज में जो है वो बयान करोगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी इधर जॉब लेने के लिए आए मेरे पास, तो वो अपनी क्या मुझे देगा, सीवी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सीवी के अंदर उसके मैट्रिक का रिजल्ट, ठीक है, उसका एफएससी का रिजल्ट, उसके जो है वो आगे जो है वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और उसने किस किस इंस्टीट्यूट में काम किया, वो सारा उसने मेंशन किया होगा। तो वो क्या है, उसकी पिच है। पिच का कंसेप्ट बेटे अच्छे से क्लियर करना है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, पिच है। तो
तो इसलिए जो स्टोरी आप लिखने जा रहे हो तो वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करोगे, आप उसका खुलासा जो है वो बयान करोगे, उसका ओवरव्यू स्टार्ट में लिखोगे ताकि रीडर आपकी स्टोरी को पढ़े और आपके साथ अटैच हो। बात क्लियर हुई बेटे कि पिच का मतलब समझ लगा कि पिच हम किसे बोलेंगे? ठीक है, आगे मजीद जो है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। नेक्स्ट है बेटे, एलेबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर बुक। फिर हम जो है वो मजीद पिच बताने के बाद हम मजीद जो है वो अपनी बुक के पॉइंट्स जो है वो एलेबोरेट करेंगे, मजीद उनकी डिटेल देंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है जी लिस्ट द बेनिफिट्स यू विल प्रोवाइड टू रीडर्स। आप वो लिस्ट जो है वो बयान करेंगे कि आपके जो रीडर्स हैं आप उनको कौन सी जो है वो खसूसियात प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रीडर्स जो है वो आपसे वसूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, उन्हें आपके काम से क्या इस्तफादा हो रहा है, यानी कि जिसे हम बैक मैटर का नेम नहीं देते। ठीक है, यानी कि आपने उसका जो है वो बैकएंड लिख देना सारे के सारा कि स्टूडेंट को या रीडर को जो आपकी स्टोरी को रीड कर रहा है वो इससे क्या फायदा ले सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप मेंशन करोगे। ये क्यों मेंशन करनी होती हैं? ताकि आप अपने रीडर के साथ एक अच्छा अटैचमेंट जो है वो क्रिएट करवा सके। बात ओके हुई बेटे? शॉर्ट सा इन तीन पॉइंट्स का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन माइंड में बैठा पुत्र? ओके ओके बोलते जाया करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आप अटैचमेंट मेरे साथ रखोगे तो ज्यादा मजे से काम होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे हम जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप सारे की जो है वो डिटेल देखते हैं। फर्स्ट है जी राइट योर पिच। पिच के मुतल्लिक मैंने आपको डिटेल बात बता दी कि पिच क्या होती है, कि कम अल्फाज में थोड़े अल्फाज में अपनी पूरी स्टोरी को बयान करना। यानी कि आप कोई भी स्टोरी रीड करते हो ना, तो रीड करने के बाद कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि स्टोरी में क्या है, तो आप पूरी की पूरी स्टोरी ए टू जी तो सुनाओगे नहीं, आप क्या करोगे पूरा उसका खुलासा लिखोगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि मदर बेटे मुझे आप ऐसा करो कि अपनी लाइफ की पूरी डिटेल बताओ। ठीक है, कि आपकी लाइफ में किस तरीके से लाइफ गुजरी, तो आप मदर की 22 साल की, 20 साल की, 19 साल की जितनी लाइफ है, तो ये क्या करेगा, जो अच्छे जो लम्हात हैं, जो अच्छी थिंकिंग इसके माइंड में बैठी है या बुरे लम्हात जो माइंड में बैठे हैं वो सारे के सारे वही बयान करेगा। ठीक है जी, तो ये एक तरह की क्या होगी, पिच होगी, जिसे देख के जो रीडर है वो आपके साथ अटैच होगा। मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट और दे देता हूँ पिच का, कि अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है, ठीक है, कुछ परसेंट तक बुक को जो है वो पढ़ने में। अमेज़ॉन कहता है कि कुछ हद तक आप जो है वो बुक रीड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा लूँ। बेटे आप मेरे साथ अटैचमेंट रखोगे तो स्टोरी पढ़ने का जो है वो और काम करने का ज्यादा मजा आएगा। तो मैं इधर हॉरर स्टोरी सर्च करता हूँ, हॉरर स्टोरीज, ठीक है, फॉर किड्स, ये मैंने जो है वो नीच एक सर्च की। अब इस नीच के रिलेटेड जो है ये मैंने जो है वो बुक ओपन करता हूँ। ठीक है जी, तो अब आपको दिखाऊंगा कि जो इसने काम लिखा होगा, ठीक है, लोग उसे पढ़ेंगे, एक दफा रीड करेंगे, व्यू करेंगे, तो जैसे ही उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो जितना अच्छा आप लोगों ने लिखा होगा उतना ही रीडर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब रीडर का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आगे उसे पढ़ने के लिए स्टोरी नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्टोरी को परचेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी आपके काम की पिच अच्छी होगी, ठीक है, एलिवेटर पिच अच्छी होगी, उतना ही आपकी बुक का स्कोप जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और पिच मैंने बार बार आपको रिपीट कर दिया कि पिच का जो है वो असल मतलब क्या है। अब बेटे ये देखें, ये सारे का सारा जो है वो पढ़ता जा रहा है यूजर, यानी कि हम पढ़ते जा रहे हैं, ये आगे टेबल ऑफ कंटेंट्स रीड किए, हमारा जो है वो उसके साथ अटैचमेंट जो है वो होता जा रहा है, ये सारा, ये आपके असल में जो है वो पिच पॉइंट है। अब ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा रीडर जो है वो आपके साथ अटैच होगा। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि पिच के अंदर जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं, यानी कि अपनी स्टोरी में जो आप सेंटेंस राइट करवा रहे हैं, वो ना सेंटेंस इतने ज्यादा होने चाहिए, यानी कि आप अपनी बात को इतना ज्यादा वजाहत में भी लेके ना चलो कि जो है वो पर्सन आपसे बोर हो जाए।
ठीक है, ना इतना ज्यादा शॉर्ट करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो। आप जितनी ज्यादा रीडर को आसानी प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा जो है वो आपकी सेल होगी, उतना ज्यादा वो आपके साथ अटैच होगा। बात क्लियर हुई जी? उम्मीद है कि पिच का काफी हद तक जो है वो पता चला होगा। एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो कि आप दे रहे हो अपने रीडर को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कोई क्वेश्चन है? नो सर, चलें जी आगे। है एन इंडिकेशन ऑफ योर बुक्स टारगेट मार्केट। ठीक है, फिर जो है वो इस तरीके से आप अपनी बुक को जो है वो मार्केट के लिहाज से टारगेट करोगे। जब आपकी पिच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट के लिहाज से जो है वो टॉप पे आएगी। जैसे ये मैंने जो है वो आपको स्टोरी सर्च करके दिखाई, तो स्टोरीज तो और भी बहुत सी थी। ठीक है, यही टॉप पे क्यों आई? इनमें ये सारी बातें आ रही हैं, उसके कीवर्ड्स आ रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसका जो उसने मटेरियल इंट्रोडक्शन में लिखा है वो है। ठीक है, इन बुनियाद पे आपकी स्टोरी जो है वो टॉप पे आ रही है। रीडर जो है वो जितना ज्यादा, जिससे ज्यादा मुतमिन होता है अमेज़न, उतना ही उसे टॉप पे जो है वो दिखा रहा होता है। ठीक है, आगे जो है वो बेटे देखते हैं, सेंस ऑफ व्हाट विल मेक योर बुक यूनिक एंड सेक्सी। और फिर ये बात आपने रखनी है अपने माइंड में कि जिस चीज के ऊपर आप काम करने जा रहे हो या काम कर रहे हो वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो काम अगर पहले भी लोगों ने किया होगा तो फिर मार्केट में आपका कंपटीशन चलेगा। ठीक है, फिर प्राइस का कंपटीशन भी आएगा, फिर ये सारी चीजें चलेंगी। अगर आपका मटेरियल यूनिक होगा और रीडर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो सेल होगी। इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना मेरे पुत्र, वो आपके जो है वो एप्पल कंपनी। ठीक है, आईफोन और एप्पल के टैब, ये सारे एप्पल बुक, एप्पल के लैपटॉप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों है? क्योंकि उनका यूनिक है, उनका एक ब्रांड है। ठीक है, काम वही है जो बाकी लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंपनी तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन उनका एक जो है वो नाम है, एक यूनिक है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो काम को अपने को यूनिक रखना है। ठीक है, और यूनिक ऐसे नहीं है कि काम तो आपका यूनिक है लेकिन रीडर उसे पसंद नहीं करता, तो ये भी काम नहीं करना। ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी दी क्लियर बेनिफिट्स इट विल ऑफर रीडर। ठीक है, कि आपके जो रीडर्स हैं उन्हें बिल्कुल क्लियरली बेनिफिट्स जो है वो पहुंच रहे हैं आपके काम के। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपने नोट करनी होती हैं। उसके बाद है जी, जेम्स स्कॉट बेल्स एक ऑथर है, ठीक है, एक मुसन्नफ है, उसने जो है वो काम को करने के कुछ पॉइंट्स जो है वो दिए हैं कि आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के काम करोगे तो आपका जो रीडर है वो आपके साथ ज्यादा अटैच होगा। तो हम उसके जो है वो पॉइंट्स देखते हैं कि उसने क्या मेथड हमें बताया है काम करने का। ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। पहले मैं आपको नॉन फिक्शन बुक का जो है वो क्लियर कर दूं कि नॉन फिक्शन बुक होती बेसिकली क्या है। बेटे, नॉन फिक्शन बुक आपकी वो बुक होती है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई स्टोरी जो है वो ना पाई जाए। मतलब जैसे हमारी जो है वो मदर साहब, C++ की बुक, ऊप की बुक, ठीक है, जैसे हमारी जो है वो मैथ 9th 10th जितनी बुक्स आप पढ़ते हो स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, मैथ की बुक्स होगी, उसके अंदर स्टोरी तो नहीं है, बुक तो है लेकिन। तो वो आपकी बुक्स कौन सी होंगी? नॉन फिक्शन बुक्स होंगी जिनके अंदर किसी किस्म की कोई स्टोरी जो है वो नहीं पाई जा रही। ठीक है, वो आपकी नॉन फिक्शन जो है वो बुक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे इससे जो है वो आपने किस तरीके से बनाना है, अगर नॉन फिक्शन बुक को आपने टारगेट किया है, अगर आप कोई इंग्लिश की ग्रामर के मुतालिक कोई बुक बनाने जा रहे हैं, टेंसेस के मुतालिक कोई बुक बना रहे हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई मैथ की आप बुक लिखने जा रहे हैं तो आप किन चीजों को जो है वो माइंड में रखोगे, तो वो सारी चीजें आपके सामने हैं जी। फर्स्ट है जी मोस्ट ग्रिपिंग क्वेश्चन। अब मोस्ट ग्रिपिंग क्वेश्चन से मुराद क्या है कि आप मार्केट की रिक्वायरमेंट देखोगे नॉन फिक्शन बुक बनाने के लिए भी। ठीक है, कि मार्केट में जो है वो किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और फिर आप उसके मुताबिक से वो चीज टाइटल सेलेक्ट करोगे, काम को सेलेक्ट करोगे और उसी के रेलिवेंट, उसी के रिलेटेड जो है वो आप उसे आंसर करोगे। ठीक है, उससे हटके नहीं आंसर करना कि टाइटल कुछ और है, लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप उन्हें कुछ और दे रहे हो, फायदा तो फिर भी कुछ ना हुआ। ठीक होगी बात? आगे जी इन टाइटल ऑफ बुक, आपकी बुक का जो है वो टाइटल क्या होना चाहिए, उसके बाद प्लस यू विल लर्न।
ठीक है, जब टाइटल का पता होगा लोग आपकी बुक का टाइटल देख के ही उसे जो है वो परचेज करेंगे। नॉन फिक्शन बुक के अंदर आपकी बुक का टाइटल की ही डिमांड होती है। जैसे मोस्टली इनमें से बच्चे जो हैं वो होंगे जनाब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी हैं, उन्हें कोई इंग्लिश की ग्रामर जो है वो लगवाई जा रही होंगी, ठीक है, कोई किसी की लगवाई जा रही होंगी, लेकिन कोई एक ऐसा अथर होगा जिसका जो है वो फेमस होगा, जिसे जो है वो सब लाइक करते होंगे, तो उसका नाम जो है, ठीक है, जैसे ये थर्ड पॉइंट उसने बताया हुआ है कि आथर जो है वो अबाउट आथर, अगर आथर के मुतल्लिक जैसे मैं बात करता हूँ कि बेटे अलामा साहब का नाम ही काफी है, अलामा इकबाल साहब की कोई भी पोएट्री होगी, कोई भी शायरी होगी, कोई भी चीज होगी, आप लोग जो है वो उसे देख के पढ़ोगे कि ये नाम जो है, ये काम जो है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आथर काम करता है ये ऑटोमेटिकली इसका काम जो है वो अच्छा होता है। और इसमें आप हल्का सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आथर जो है वो किस तरीके से रिलेट करता है। बेटे आथर इस तरीके से रिलेट करता है कि जैसे हमारी मार्केट जो है वो यूरोपियन है, ज्यादा इंडिया तो सिंगल इंडिया है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी मार्केट हमारी यूरोपियन है, तो उसमें क्या होता है कि लोग पढ़ने से पहले आथर ने मस्त देखते हैं, वो ये चीज फाइंड करते हैं कि ये किस जगह का रिहायशी है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्या है, ठीक है, तो फिर उनके जहन में बैठता है कि ये बंदा जो है वो किस तरीके का काम कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में पेन नेम्स बनाने आपको सिखाए ताकि आप अपना पेन नेम यूज करके अपनी बुक को जो है वो राइट करवा सको। अभी अगर बेटे नॉन फिक्शन बुक के अंदर पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। तो सर ये पॉलिटिक्स की बुक्स भी नॉन फिक्शन में ही आती हैं? सॉरी, नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन बेटे, सॉरी, नॉन फिक्शन, ठीक है, जितनी भी बुक्स होंगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी नॉन फिक्शन बुक्स होंगी, ठीक है, जिसमें किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं होगी, सिंपल मानों में वो सारी पुत्री नॉन फिक्शन होंगी। ओके है जी, चले जी, नेक्स्ट है जी, उसका फार्मूला कहता है जी, हेयर इज जिम्स फार्मूला फॉर फिक्शन। अब फिक्शन बुक के लिए जो है वो फार्मूला हम देखते हैं क्या है, जरा गौर से देखिएगा। इधर मेरी एक बेटी होगी रिजा बीबी। हाँ जी रिजा बीबी, आप एक अच्छी आथर हो माशाल्लाह से, आपकी स्टोरीज मैंने कुछ पढ़ी हैं और आपको पता है कि फिक्शन जो है वो काम किस तरीके से करते हैं। अच्छे से समझना इस बात को, अगेन से रिपीट करता हूँ, फिक्शन क्या है, कौन सी बुक्स हैं। फिक्शन बुक्स आपकी वो बुक्स हैं जिसमें स्टोरी चल रही हो, जैसे आपका कोई ड्रामा है, कोई मूवी है, कोई नॉवल है, कोई अफसाना है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, कौन सी बुक्स कहलाती हैं, फिक्शन बुक्स कहलाती हैं। अब बारी आती है कि फिक्शन बुक्स को आपने बनाना किस तरीके से है। फिक्शन बुक के अंदर आपने सबसे पहले अपने करेक्टर को जो है वो करेक्टर के नेम लिखने होते हैं। जितने आप अपनी स्टोरी के अंदर करेक्टर यूज करने जा रहे हो उनके नेम लिखने हैं, उनके पेशे जो है वो मेंशन करने हैं कि वो क्या क्या करते हैं, और उनका जो है वो इनिशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो आपने बताना होता है स्टार्ट में फिक्शन बुक के अंदर। ये पहला सेंटेंस क्लियर हुआ कि मैंने क्या बताया, कि जब कोई भी ड्रामा होता है तो उसमें स्टार्ट में उसने लिखा होता है कि जी इसे जो है वो राइट किसने किया, इसका डायरेक्टर कौन सा है, इसका प्रोड्यूसर कौन सा है, इसके एक्टर कौन कौन से हैं, और वो कौन कौन सा किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेटे बेसिकली सेंटेंस जो है वो वन के अंदर काम आता है कि जब आप कोई फिक्शन स्टोरी लिखने लगते हो तो आप इन सारी चीजों को जो है वो फॉलो करते हो, ठीक है जी, बात ओके हुई बेटे ये। उसके बाद आता है सेंटेंस टू। सेंटेंस टू में क्या है कि आप उसका हल्का सा जो है वो, उसके बाद जब आपने ये वो सारा मेंशन कर दिया तो उसके बाद आप अपनी स्टोरी जो है वो लिखनी शुरू करोगे, पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बयान करोगे, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में क्या आता है, आप उनका जो है वो डेथ के रिलेटेड सारा मेंशन करते हो कि किस जगह पे किसकी क्या बात हुई, किस जगह पे क्या सीन चला। तो थर्ड पॉइंट में ये, जैसे मैं सिंपल मानों में फिक्शन बुक को बयान करूं, मगर आपके लिए पॉइंट, क्योंकि तू कंप्यूटर वाला है तुझे अच्छे से बात समझ लगेगी और ज्यादा, बाकी भी इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। जैसे हेडर है, बॉडी है, फुटर है, ठीक है, जैसे जनाब एक बंदा है ना, उसका सर है, नीचे एक मेन बॉडी है और नीचे जो है वो फुटर है। जैसे हम बात करते हैं एक इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के बाद, ठीक है, इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसने अपनी लाइफ जो है वो ये सारी की सारी गुजारी, उसके बाद जो है वो डेथ। तो
लाइफ सारी की सारी गुजारे में क्या है कि वो सारी की सारी स्टोरी लिखेंगे, कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स आए, कौन कौन से बुरे पहलू आए, ये सारी की सारी चीजें स्टोरी टाइप, वो आपका सेंटेंस टू है। और एंड पे आप जो है वो उसकी डेथ हर एक की, जैसे मूवीज में आप लोग देखते हो, ड्रामेज में आप लोग देखते हो, ये सारा सीन बात सर, ओके अगर होगी। डेथ ना हो रही हो तो क्या ना हो रही कोई हो भी, कोई दोबारा जब बेटे स्टोरी में अगर कोई मर नहीं रहा, जब अगर कोई स्टोरी में मर नहीं रहा जी तो जी बेटे वो आगे लिखा है ना उसका फिजिकल प्रोफेशन आर फिजियोलॉजिकल डेथ, ठीक है, क्या आप उसे जो है वो फिजिकली किस तरीके से एंड है, किस तरीके से इख्तिताम हो रहा है, मरने से मुराद है कि उसका एंड पॉइंट मेंशन करना, ये शुरू में ही लिख देना। नहीं नहीं शुरू में नहीं लिखना बेटे, मेरे आपको बता रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है, शुरू में ये चीजें लिखनी है, उसके बाद आपकी सारी स्टोरी आएगी, उसके बाद आप जो है वो उसका एंड पॉइंट करोगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर, अब मैं अलामा साहब के ऊपर जो है वो अगर लिखना चाहूंगा बुक, ठीक है, तो मैं किस तरीके से देखूंगा, किधर से जन्म लिया, ठीक है, क्या क्या सारा काम किया, ये सारी चीजें, ठीक है, उनके जिंदगी के अच्छे पहलू जो है वो नेगेटिव जितने हुए होंगे वो सारी चीजें मैं ए टू सी बयान करूंगा, ठीक है, वो आएगा आपके सेकंड में, और एंड में किस किस तरीके से हुआ सारा काम वो आप मेंशन करेंगे। ओके हो गया जी, ये आप बेटे आपकी जो है वो फिक्शन बुक हो, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलेबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर बुक्स। अब आपकी बुक्स के अंदर जितने इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आप बच्चे जो है वो मेंशन करवाओगे, ठीक है। अब ये हम जो है वो देखते हैं, इसके अंदर मैंने मेंशन किया है, इधर मेंशन द टू आर थ्री टर्निंग पॉइंट्स ऑन योर मेमोर आर नावल, ठीक है। अब आपके पॉइंट्स के अंदर कोई भी नावल है तो उसमें आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी में आप इमेजिन कर रहे होते हो कि इस टाइम में ये हो सकता है, लेकिन बाई चांस जो है वो कुछ और हो जाए। आपने अर्थगुल का जो है वो ड्रामा देखा है, ठीक है, ड्रामे का इख्तिताम हुआ तो वो रिकैप दिखा रहे होते हैं कि नेक्स्ट वाली किस्त में कौन जी किसको बचाएगा, कौन कैसे करेगा, यानी कि स्टोरी का अचानक से जो है वो रुख चेंज करना, ठीक है। आप अपनी वो सारे पॉइंट्स जो है वो लिखोगे, जैसे रिकैप की मैंने आपको बात की ना, ठीक है, तो इस तरीके से मेजर चीजें जो है वो आप बयान करोगे अपनी बुक की। वो किस लिए करोगे, ताकि मैंने फिर एक दफा आपको बताता हूँ कि ये जो अमेज़न इस बुक का व्यू दे रहा है ना, वो कैसे दे रहा है, के स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रहा है, जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आपने कवर यूज किया, आपने जो है वो कॉपीराइट्स जो लिखे, ठीक है, वो सारा काम मैंने कॉपीराइट्स के रिलेटेड पैटर्न आज ये लेक्चर अपलोड किया, वो बेटे सब लोग जो है वो देखना, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर पैटर्न पता चले काम करने का, ठीक है। ये उसने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद ये उसने जो है वो इंट्रोडक्शन का सा दिया, फिर स्टोरी आगे चली आखिरी, फिर उसके बाद उसने एंडिंग पॉइंट जो है वो सारे का सारा बताया, ठीक है। ये सारी चीज है कि आपने अपने पैटर्न को इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से बनाना है, ताकि रीडर आपकी स्टोरी को पढ़ने पर मजबूर हो जाए, आपकी स्टोरी को खरीदने पर मजबूर हो जाए, ठीक है जी, ये चीज है। और ये आप अपने माइंड में अरेंज कर रहे हो डाटा को सारा, कि मैंने काम जो है वो किस पैटर्न में करना है, क्योंकि आपने अपने मेन टॉपिक को नहीं भूलना। मेन टॉपिक हमारा क्या है, ओवरव्यू ऑफ बुक प्लानिंग, कि हमने अपने काम की प्लानिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी इसमें, हम प्लान कर रहे हैं कि हमने अपने काम को किस तरीके से लेके चलना है। उसके बाद है जी लिस्ट दी बेनिफिट्स यू विल प्रोवाइड टू रीडर्स। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आप ये चीज वाजिया कर रहे हो कि जो रीडर आपकी बुक को पढ़ रहा है उसे जो है वो इससे क्या फायदा पहुंचेगा। तो ये तीन चीजें जो है वो दी थ्री पीसेस ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटेड, ठीक है, कि तीन पॉइंट्स जो है वो आप मेंशन कर रहे हो, फर्स्ट तो आपकी पिच, सेकंड उसकी समरी, और एंड ए लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, कि उसे जो है वो बेनिफिट्स क्या होगा। जैसे मैंने यही बुक ओपन की हुई है, मैं इसी से आपको दिखाऊंगा कि ये देखें जी, स्टार्ट में उसने इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो पिच वाजिया की, किस काम की जो है वो पिच क्या है, ठीक है, ये जो उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे, उसके बाद इंट्रो स्टार्ट किया, ठीक है, ये इस काम की क्या होगी, पिच होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पिच के बाद आपकी समरी उसने बयान की, समरी के बाद उसने जो है वो बेनिफिट्स जो है वो वाजिया किए, तो लास्ट जो उसने बैक एंड मैटर जो है वो लिखे हैं,
स्टोरी में कि ये लास्ट पेज जो है वो उसने बनाया है उसके ऊपर उसने ये सारी बातें जो है वो मेंशन की हैं कि रीडर जो है वो इससे क्या इस्तेफादा हासिल करेगा, ये सारी चीजें उसने इधर लिखी हुई, ये जरा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ओके हो गया बेटे। ये आपके असल में जो है वो आज के लेक्चर के अंदर मेन पॉइंट्स थे जो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो देखे। अगर इसमें किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं कि ओवरव्यू ऑफ बुक प्लानिंग के अंदर आपने जो है वो क्या क्या काम सीखा, क्या क्या काम किया। अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो अभी पूछ लें, ठीक है। अगर सर हमें ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा, कौन सी बेटे, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब इंग्लिश लिखते हो काम करने में, तो बेटे आप अपने काम को पहले उर्दू में राइट करवाएं, ठीक है, राइट करवाने के बाद उसे जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, ट्रांसलेट कर, ठीक है। तो ये सारा स्टेप हम किसी पर्सन से ट्रांसलेट करवाएं या कोई ट्रांसलेटर हैं, बेतहाशा ट्रांसलेटर हैं और अच्छे ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। और मोस्टली ये जो कोर्स चल रहा है ना ये बेटे लो कंटेंट के रिलेटेड। और इधर एक और बात बता दूं, एक है जी आपका फिक्शन नॉन फिक्शन और एक है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। फिक्शन नॉन जी सर, शॉर्ट स्टोरी ज्यादा डिफरेंट, फिक्शन नॉन फिक्शन में जरा वाजह कर दूं बात को। फिक्शन नॉन फिक्शन में क्या होता है कि आपकी डिफरेंट स्टोरीज मर्ज हो जाती हैं, डिफरेंट कंटेंट चल पड़ते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या होता है किसी एक कंटेंट को लेके चलना, ठीक है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। बात समझ लगी ना, जैसे आजकल चल रहा है जी यूक्रेन का और रशिया की फाइट जो है वो जंग हो रही है एक तरह की, ठीक है। तो आप उसके एस्पेक्ट्स जो है वो सारी चीजें सारी बातें वाजह कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो वार जो है वो लगी हुई है, ठीक है, रशिया की, आप उसे भी उठा सकते हो। उसे अगर आप फिक्शन बनाना चाहते हो फिक्शन भी बना सकते हो, नॉन फिक्शन बनाना चाहते हो नॉन फिक्शन भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। और कोई बेटे किसी का क्वेश्चन जी, रिजा दूसरा एहसान और जैन शकील, हाँ जी जैन कोई है क्वेश्चन, चलें ठीक है बेटे। अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर हम एंड करते हैं, और इस पोर्शन को इंतहाई तवज्जो से आप कीजिएगा ताकि आप अपना सेल्फ का काम जो है वो अच्छे से खुद कर सके, ठीक है जी। ओके बेटे, जजाकल्ला।